आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। प्रदेश सरकार के कार्यक्रम मिल बांचे के अंतर्गत आज जिला कलेक्टर राजेश जैन ने स्थानीय शासकीय शाला में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया। साथ ही बच्चों से उनके पाठ्य पुस्तकों में से कई तरह के सवाल जवाब भी कलेक्टर ने किए एवं शिष्टाचार संबंधी कई बातें कलेक्टर ने बच्चों को बताई। क्या था कल? बोलो। कल छुट्टी दी क्या? नहीं। गणेश जी का वाहन चूहा। तो एक बार उनने कहा, भगवान ने, शंकर जी ने कहा कि भाई सबसे पहले पृथ्वी की तीन परिक्रमा जो लगा के आएगा वो जीता माना जाएगा। उन्होंने कहा एक परीक्षा लेते हैं कार्तिकेय की और गणेश जी की। तो क्या हुआ कि सुन तो सही भाई, अभी में अच्छे फल नहीं मिलते। इस कहानी से अभी जैसे उसने मूल भी नहीं दिया और उन्हें लाके ब्रश करना चाहिए, ब्रश नहीं हो तो हाथ से मंजन करना चाहिए और नीम की दांतों तो नीम की जो भी हो सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, है ना? ठीक है ना? आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर एकत्रित होकर मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर जो आदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पारित किया गया है उस आदेश को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर एकत्रित होकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ काफी रोष दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक पैदल मार्च निकालकर इस आदेश का विरोध किया एवं कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर महोदय द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें संगठन ने माननीय राष्ट्रपति महोदय से इस प्रकार के हिंदू विरोधी आदेश को निरस्त करने की मांग की। हिंदू जागरण मंच गुना के जिला अध्यक्ष दीपक रजक ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म संस्कृति और समाज को खत्म करने का कार्य कर रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उपस्थित थे। में हिंदू पर्व न मनाया जाए, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त हिंदू विरोधी आदेश को निरस्त किया जावे, क्योंकि उक्त आदेश के बाद संपूर्ण हिंदू समाज में रोष व्यक्त है। यदि यह आदेश निरस्त नहीं किया गया तो हिंदू जागरण मंच पश्चिम बंगाल में जो ममता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि माँ दुर्गा जी की मूर्ति का विसर्जन एक निश्चित समय में किया जाए, ये एक हिंदू विरोधी विचारधारा रखती हैं, जिसमें सभी हिंदुओं को ये समाज में ये गलत मैसेज गया है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू जागरण मंच आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बताएं आज अभी विगत दिन हम सब ने सुना है किस प्रकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सारे के सारे नियम कानून केवल और केवल हिंदू धर्म के विपरीत ला रहे हैं। हिंदू विरोधी कार्य ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अभी जब हम जानते हैं कि वर्ष भर में पश्चिम बंगाल के अंदर यदि कोई धूमधाम से मनने वाला पर्व है जिसे पूरे पश्चिम बंगाल के हर समाज जाति बंधु के लोग बड़े प्रेम और स्वार्थ से मनाते हैं, वो पर्व है नवरात्रि का पर्व। उस नवरात्रि पर्व में ममता बनर्जी ने एक नियम लागू किया है, आदेश पारित किया है कि जो भी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा वो एक निश्चित समय में होगा। ममता बनर्जी शायद भूल गई हैं कि झांकियों के अलग अलग मुहूर्त होते हैं, अलग अलग समय पर दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन किया जाता है। ऐसा केवल वो एक धर्म को अपने प्रति आकर्षण करने के लिए ऐसा कार्य कर रही हैं। ममता बनर्जी को हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, यदि उन्होंने अपने हिंदू विरोधी कार्य बंद नहीं किए, भारत को तोड़ने का कार्य बंद नहीं किया, तो ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हिंदू जागरण मंच भारतवर्ष के जिले के कोने कोने में आंदोलन करेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को होगी। केशव शर्मा, विभाग अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच। बालक माध्यमिक विद्यालय एवं कन्याशाला स्कूल पहुंचे आरोन एसडीएम। मिल बांचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम अंतर्गत बालक माध्यमिक विद्यालय एवं कन्याशाला स्कूल आरोन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरोन एसडीएम अरविंद वाजपेयी ने शाला में पहुंचकर हिंदी की पाठ पुस्तक के पाठ का वाचन करते हुए कक्षा में उपस्थित बच्चों से पढ़े गए अंश पर रुचिकर प्रश्न किए एवं सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से छात्रों से संवाद किया। वहीं महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्यों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया।
श्री वाजपेयी ने अपने छात्री जीवन के अनुभवों को बच्चों से साझा भी किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिलवाचक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में एक साथ सभी स्कूलों में बिलवाचक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स प्रत्येक स्कूल में ऑनलाइन पंजीयन हुआ था, पंजीयन के द्वारा वहाँ पे पहुँचे। उसी तारतम्य में मेरा भी पंजीयन हुआ था। मैं शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय में मैंने भी बच्चों के साथ शेयर किया और उनके साथ बैठ के आपस में चर्चा की और पूछा उन लोगों से ज्ञानवर्धक बातें पूछी, कहानी, कविताएं और बच्चों के मध्यप्रदेश के बारे में जानकारी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, महापुरुष कौन है, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और उनसे पूछा भी गया। तो सर, बच्चों द्वारा बताया गया, बच्चों द्वारा बताया गया कुछ सही बताया गया, कुछ गलत बताया गया और बच्चे जो नहीं बता पाए वो हम लोगों ने जानकारी दी। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया, जहां एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने जामा मस्जिद कैंट में आपत्तिजनक सामग्री फेंके जाने के संबंध में कई खुलासे किए। साथ ही बताया कि पुलिस अपराधियों तक लगभग पहुंची चुकी है। कुछ चीजें हैं जो पुलिस को क्लियर करना है, इसके बाद जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस ने की है। इस बैठक में कैंट थाना प्रभारी एवं सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। ये जैसे ही घटना हुई थी, इसके तदुपरांत सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अलग अलग टीम बनाई थी, जिसमें हम लोग एडनर साहब के साथ लेकर के कार्य कर रहे थे। एक टीम में टी आई साहब कोतवाली और एक टीम थी। इसमें काफ़ी कुछ अभी तक हम लोगों को क्यों मिले जो संदिग्धों से पूछताछ की है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना जो जवाब दे रहे हैं वो कहीं से कहीं कनेक्ट छिल रहे हैं, तो संभवतः इसमें हम जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे और जितनी हरकत की और जिसमें कराई हुई लोगों का भी खुलासा। जब तक के सर खुलासा आप जब भी करेंगे, जो भी इसमें वक्त लगेगा, तब तक कुछ समाज के लोगों से आपकी तरफ से अपील? गुना शहर का जो माहौल है वो भाईचारे का है, इसको ऐसे ही बनाए रखें और जिसने ये हरकत की उस तक हम जल्दी पहुँच ही रहे हैं और हमें कुछ क्लू मिले उसके हम साथ पहुँच रहे हैं। जल्दी आप सभी के लोगों के बीच में जो इस प्रकार की घटना करने वाले कराने वालों के नाम जल्दी आएंगे, ताकि आपको ही मालूम रहे कि इन लोगों से हमें सावधान रहना भविष्य में। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज जिला परिषद की बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी 5 सितंबर को जिले में होने वाले सम्मेलन के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री के गुना आगमन के विरोध की बात भी किसान सभा के पदाधिकारियों ने कही। आज अखिल भारतीय किसान सभा की या जिला परिषद की बैठक रखी गई है, जिसमें गुना जिले में 5 तारीख को जिला सम्मेलन होना, उस पर चर्चा की जा रही है। साथ में 23 सितंबर को अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य सम्मेलन गुना में होना है, उस पर चर्चा हो रही है। साथ ही कल मध्य प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह जी कल यहाँ आ रहे हैं और खास करके वो आ रहे हैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसा कि अभी बहुत सारे होर्डिंग लग रहे हैं उसमें लिखा है कि 10 घंटे लगातार बिजली दी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये कि आप लोग भी जानते हैं कि गुना जैसे शहर में 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही, तो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिलने की स्थिति अलग है। साथ ही वो कह रहा है कि 1,65,00,000 रुपये की बीमा जो मिलना है किसानों को वो दिया जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि वो मुआवजा भी लोगों को मिल रहा, क्योंकि ये हमारे प्रदेश का जो मुखिया शिवराज सिंह है सिर्फ घोषणा दी है और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जिस समय मंदसौर के अंदर गोलीकांड हुआ था उस समय इन्होंने बोला था कि हम जो किसान मरे हैं, जो उनको गोलीकांड के शिकार हुए, उनको 1,00,00,000 रुपये दिया जाएगा। वास्तविकता ये है कि इसकी सिर्फ पूरी घोषणा साबित हुई है, 1 रुपया आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। साथ ही आज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि संभवतः हो सकता है कि कल हम मुख्यमंत्री का यह गुना में विरोध करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है कि उनको काले झंडे भी दिखाए जाए अखिल भारतीय किसान संघ द्वारा।
मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा के। तीस माह से इंसाफ के लिए लड़ रहे आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक शिक्षक को मिला सहरिया समुदाय का साथ। उक्त शिक्षक को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर सहरिया समुदाय की महिलाएं बैठी अनशन पर। गौरतलब है कि सहायक शिक्षक परमाल सिंह रघुवंशी ने अपने सहयोगी कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन पर प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसी महिलाएं हैं, शहरिया महिलाएं, यहाँ क्या इनके मोहल्ले में मैं अक्सर 4-5 साल से 6-7 साल से आता रहता हूँ। इनके बच्चे स्कूल जाएं, छोटा परिवार रहे, और तमाम आदिम जाति कल्याण विभाग की योजना बताता रहता हूँ। जब इनको पता चला कि मेरी मारपीट इस तरह से हो गई है तो ये मेरी मदद कर रही है। इस प्रकार से ये जो है पिछले दिन 4 बजे से ये अनशन पे हैं। ये महिलाएँ जो है इन केवल पानी पी के अनशन कर रही, और ये धरना जो है जब तक चलेगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। और यहाँ के सहरिया बस्ती के और भी लोग आ रहे हैं रैली निकाल के, माननीय पन्ना लाल जी, ममता मीना जी, गोपी लाल जी, सब विधायक के पास जाएंगी ताकि वो सीएम महोदय आ रहे हैं उनसे कुछ कह सकें और मुझे न्याय मिल सके, क्योंकि मुझे आदिम जाति कल्याण विभाग के स्टाफ ने बहुत पिटवाया है। और इसके बाद में जो है राजवीर सिंह गुर्जर TI साहब ने भी मुंगावली थाने में मुझे मारा है। उसके पीछे भी हमारे अधिकारी जुगल किशोर पार सर जी की गलती है कि वो थाने पर गए और ये नहीं बताया कि हमारा वफादार कर्मचारी है, वरना पुलिस मुझे नहीं मारती। और इसके पहले जब 2.5 साल पहले मारपीट की है गुंडे बदमाशों ने मेरी, तब हमारे BL परमार अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने शिकायत पूछी थी। क्या शिकायत है? तो मैंने कहा था बच्चे भूखे रहते हैं मुंगावली में। इसके बाद भी मैं पिटता रहा और उन्होंने कोई मना नहीं की, और 5-6 लोग स्टाफ के लोग मुझे 2-3 साल परेशान किया। ये कब तक चलेगा? ये मतलब जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक ये धरना हमको यहाँ पर चलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमाल सिंह रघुवंशी, आजकल मैं माध्यमिक विद्यालय पीलीघट्टा में आ गया हूँ। कलेक्टर साहब ने पीलीघट्टा कर दिया, वरना वो लोग मुझे वहाँ मरवा भी सकते थे, बहुत परेशान कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गुना आगमन पर म्याना वासियों को फिर से आज जगी है, क्योंकि आज से लगभग 9 साल पहले 2008 में मुख्यमंत्री रथ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिया था, और तत्कालीन कलेक्टर मुकेश चंद्र गुप्ता ने इस फाइल को मंत्रालय तक पहुंचा भी दिया, लेकिन उस फाइल का अभी तक कोई सुराग नहीं है। म्याना की जनता कई बार प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दे चुकी है, पर दुखद बात तो यह है कि म्याना के साथ बमोरी को तहसील, नईसराय को तहसील, शाड़ौरा को नगर पंचायत एवं मकसूदनगढ़ की घोषणा भी उसी दिन और उसी समय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, लेकिन इन चारों पर तो अमल हो चुका है। पर म्याना का दुर्भाग्य है कि नेताओं की निगाहें आज तक म्याना पर नहीं पड़ी। उस समय म्याना के विधायक एवं मंत्री KL अग्रवाल थे, लेकिन उन्होंने उस समय में म्याना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें वहां से पटकनी खानी पड़ी। साथ ही म्यानावासी 5 दिवसीय धरने पर एवं कुछ समाज सेवी अनशन पर भी बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री के कानों पर जूतक नहीं रहेंगी। वहीं म्यानावासी डिग्री कॉलेज के चक्कर में एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी कर चुके हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज का कुछ भी नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज को लेकर म्यानावासी प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर राजेश जैन क्षेत्रीय विधायक सिसोदिया से लेकर शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दे चुके हैं, पर यहाँ भी म्यानावासियों के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि म्याना पहले तहसील थी, म्याना सदर बाजार कचहरी प्रांगण पर तहसील भी लिखा हुआ है। तहसील को लेकर भी म्यानावासी कई बार आंदोलन एवं ज्ञापन कई चीजें कर चुके हैं, लेकिन इसका भी कोई खासा असर नहीं हुआ। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।